मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। बारकोड लेबल हैं, ये डिफरेंट साइज के आते हैं हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे आप प्राइस टैग टांग रहे हैं तो उसके लिए अलग लेबल है, अगर आप प्रिंट आउट निकाल लें तो उसके लिए अलग है। तो चलिए एक फैक्ट्री का टूर करते हैं और वहाँ पे हम समझते हैं कि कौन कौन से लेबल किस किस के लिए यूज होते हैं। जो मशीन है ये देखो आप, यहाँ से ये शिपिंग लेबल बनता है, यहाँ से ये अमेजन फ्लिपकार्ट और कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो शिपिंग लेबल लगता है 4x6 जिसको कहते हैं 100-150, तो ये लगता है, ये आप देख रहे हो ये साइज लगता है और इस मशीन से ये तैयार होता है यहाँ पर, और काफ़ी साफ सफाई से तैयार करते हैं हम लोग यहाँ पर, सारा देख पा रहे होगे आप नीचे, और डस्टबिन का प्रयोग करते हुए। तो इससे आपका हेड डैमेज नहीं होता है, सफाई से ये फ़ायदा है, प्रिंटर का हेड डैमेज नहीं होगा आपका, कोई डस्ट पार्टिकल किसी भी लेबल्स पे नहीं होते हैं। तो यहाँ से लेबल बनने के बाद ये यहाँ स्टिक होकर ये पैकेजिंग के लिए जाता है, ये फिनिश गुड आप देख सकते हो, जहाँ इस तरीके से पैक होता है, ये पूरी तरह पैक हो चुका है, इसको फिल्म रैप से पैक किया जाता है और स्टिकर लगाया जाता है साइजेस के साथ, क्या पैकेजिंग क्वांटिटी है, कोर आईडी क्या है, तैयार होता है, ये रेडी टू शिप है। अगला मशीन आप ये देख पा रहे हो, ये है बिलिंग रोल, यहाँ बनता है इस तरीके से, पूरा बिलिंग रोल तैयार होता है, ये मशीन है, हाई स्पीड मशीन है पूरी तरह, और यहाँ से काफ़ी इजी तरीके से बिलिंग रोल तैयार होता है। जनरली शिपिंग लेबल को लेके नए सेलर्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, किस तरीके से वो शिपिंग लेबल लाएं, कौन सा शिपिंग लेबल यूज़ करनी चाहिए। जनरली जो यूज़ होते थे पहले वो HP प्रिंटर में यूज़ होते थे, वो जो नॉर्मल प्रिंट है उसके थ्रू हम प्रिंट करते थे, लेकिन अब जो है हमारा ये बारकोड लेबल इससे प्रिंट होता है, यानी कि TSC का जो प्रिंटर है इससे हम प्रिंट कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो जिसके भी हम चाहें उसके हम प्रिंट कर सकते हैं। अब कलर लेबल की मशीन है ये काफ़ी हाई स्पीड, ये आप देख पा रहे हो काफ़ी हाई स्पीड, और इसमें कलर भी कर सकते हैं हम लोग, इससे मल्टीपल डाई लगते हैं, इसको रोटरी मशीन कहते हैं, फ्लेक्सो मशीन भी जिसको आप कह सकते हो। ये देख रहे हो आप, छोटा भी बारीक भी, इस पर सफाई का बहुत ध्यान हम लोग रखते हैं, एनी टाइम इसको डस्ट फ्री करने के लिए कई बार इसको वाइप किया जाता है अच्छे से, और आप फ्लोर वगैरह भी काफ़ी क्लीन रहता है, हम डस्टबिन का प्रयोग करते हैं यहाँ, ताकि थोड़ा भी डस्ट लेबल्स पे ना आए, जिससे हमारा प्रिंटेड की लाइफ बनी रहे। फिर ये हमारा मशीन है, इसको सेमी रोटरी मशीन कहते हैं, जिससे 4 कलर तक हम काम कर लेते हैं इसमें, और ये काफ़ी क्वालिटी काम होता है इससे, इस मशीन से, ये आप देख रहे हो थोड़ा सा मैनुअल इसमें काम होता है, बट इसकी क्वालिटी और फिनिश काफ़ी अच्छा होता है, और इससे 4 कलर तक हम निकाल सकते हैं, पूरा बेस कलर इसको कहते हैं, किसी भी कलर में ये बन सकता है, और साथ में ये लेबल किसी भी तरह का कंटेंट आप बताते हो अपने ब्रांडिंग या कुछ भी कंटेंट चाहिए इस पर, तो ये सारा बनता है इससे। ये एक और मशीन है हमारे पास, जिससे इसमें 4 कलर तक हम लेबल निकाल सकते हैं और मल्टीपल साइजेस निकल सकता है इससे, अभी जैसे आप देख पा रहे हो ये काफ़ी छोटा साइज निकल रहा है, तो इससे बियर लेबल वगैरह जो होता है, लिकर लेबल, सब कुछ इससे बनता है। तो लेबल से रिलेटेड जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को बताया, और बेस्ट नॉलेज के साथ मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाई है। तो आपको लगता है फिर भी कोई कमी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा।